पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट का राज 27 जुलाई को खुल जाएगा। उसी दिन ये तय होगा कि रोहित शेखर एनडी तिवारी के बेटे हैं या नहीं। एनडी तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए डीएनए रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस रेवा क्षेत्रपाल ने अपने फैसले में कहा, एनडी तिवारी ने याचिका के मामले को निजी बताया है, लेकिन ये मामला अब निजी नहीं रहा, कोर्ट के विचाराधीन है। अदालत के आदेश पर ही एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट किया गया है। जो मामले कोर्ट में होते हैं उनका फैसला भी सार्वजनिक होना चाहिए, इसलिए एनडी तिवारी की याचिका खारिज की जाती है। रोहित शेखर जिस कानूनी लड़ाई को पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, उसका फैसला आने में अब बस 7 दिन का वक्त और रह गया है। इस फैसले पर सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी है। मनीष झा, इंडिया टीवी,